हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आज हम आपके साथ तैयार हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के। ये क्लास 12th फिजिक्स का जो क्वेश्चन है काफी बार आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही। ये क्वेश्चन 2008, 13, 15 और 18 में आ चुका है। बिल्कुल बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। थोड़ा सा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखिए। 2 नंबर में आपसे ये भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है 2020 के एग्जाम में। और एम्पियर के परिपथ नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। भाई सब 3 नंबर में आपसे या 5 नंबर में एक क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना हार्ड भी नहीं, तैयार तो आपको करना पड़ेगा ही। तो क्लास 12th वालों, अब पढ़ाई चालू कर दो। उत्तर में लिखेंगे हम इसमें छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, ठीक है, चित्र ये छोटा सा बारीक सा ये चित्र बना देंगे हम इसका। किसी बंद सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे कुल धारा I का μ0 गुना होता है, ठीक है? धारा I धारा का μ0 गुना होता है, ठीक है? उसमें लिख देंगे हम इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर आई गुणा μ0। जो हमने डेफिनेशन में लिखा है वही ये लाइन है, वही ये सूत्र है। 2 नंबर में केवल इतना सा भी आपसे पूछा जा सकता है। और चित्र बना देंगे ये लहराता हुआ, ठीक है? ये दूरी आर और ये हमारी धारा गई इधर से और इधर से ऊपर से निकल गई, ये एक्स और ये वाई, और यहाँ हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है? अब प्रूफ कैसे करेंगे इसको? बिल्कुल कतई जहर प्रूफ। माना कि एक तार, तो माना कि एक तार एक्स वाई है, ठीक है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है? नॉर्मल लैंग्वेज में इतना तो याद करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, जो है चित्र में वो लिखना है। उसके बाद देन तब माना आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, आर त्रिज्या का ये वृत्तीय पथ है, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है। देख लिया होगा आपने केंद्र ओ है। परिधि पर एक बिंदु पी है, आपने देख ही लिया होगा कि एक बिंदु पी है, जिसके जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो है ज्ञात करना है, जिस पे जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो है, ठीक है, वो है बी बराबर μ0 I/2 πr, ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम जो है बिंदु पी पर है बी बराबर μ0 I/2 πr, बिंदु पी पर जो है यहां पर। उसके बाद क्या करना होगा इसमें? बट परंतु वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा, समान होगा प्रत्येक बिंदु पर। ये तो केवल एक बिंदु हमने पी पर निकाला है, सभी बिंदु जो वृत्त के सारे बिंदुओं से मिलकर एक वृत्त बना है उस पर सब पर समान होगा। उसके बाद अतः चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदेश रेखीय समाकलन, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदेश रेखीय समाकलन जो होगा, आप ये लिख देंगे लाइन बी डॉट डी एल बराबर इंटीग्रल बी डी एल कोस थीटा, यहां से हम लेंगे कोस थीटा और यहां पर थीटा बराबर जो है 0 रखेंगे, ठीक है? ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है। उसके बाद जो है कोस थीटा का मान होता है 1, तो ये इंटीग्रल बी डी एल कोस थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो 1 से जिसकी गुणा करो वो इतना ही रह जाएगा, 1 से जो टकराएगा वो उतना ही रह जाएगा। उसके बाद जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो बी जो है बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा डी एल, ठीक है? उसके बाद जो डी एल का मान, डी एल यानी उसकी परिधि जो है वो है 2 πr, वृत्त की
ठीक है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर। और बी का मान हमारे पास पहले से ही है, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर आपने देख लिया होगा पीछे। उसके बाद जो है गुणा कर देंगे हम, ये गुणा में ये है हमारा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल। क्या बचा हमारा, ये जो हमारे साथ 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 चलता आ रहा है इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर ये म्यू जीरो इंटू में आपका आई। डेरिवेशन कंप्लीट। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी और समझने की कोशिश करनी होगी। ये यहीं पर प्रूव्ड हो गया है, आंसर आपका यहीं पर हो गया है। इतना सा ये डेरिवेशन है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।